सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जार लेना है शीशे का। शीशे के जार के अंदर बिस्मिल्लाह लिखना है और बिस्मिल्लाह के साथ जिसके लिए आप पढ़ाई करने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आसानी मिल सके। और अगर आप कोई परेशानी या दुख तकलीफ है, किसी भी किस्म का मसला है, हमारे चैनल पे आके रब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आपकी जो है मदद करेंगे। और एक बात याद रखिये, आप कभी भी परेशान ना हुआ करें, आपकी ये बहन आपके साथ है इंशाल्लाह। और दूसरा यह है कि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से शुरू करते हैं। मस्जिद से कूड़ा कबाड़ निकालना बड़ी आंखों वाली हूरों का महर है। मस्जिद से यानी मस्जिद की सफाई के बारे में बताया जा रहा है, मदरसों की सफाई के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है कि हूरों का महर क्या है, हूरों का हक महर जिसे कहते हैं ना, हक महर। तो वो क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद का कूड़ा कबाड़ निकालना बड़ी आंखों वाली हूरों का हक महर, यानी सफाई करना, एहतराम करना। आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। बहुत लाजवाब, मैंने बहुत प्यारे प्यारे वजीफे आपको बताया, आपने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की परेशानी दुख तकलीफ है तो जरूर अपनी बहन को याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज मैं फिर आपको एक बहुत प्यारा वजीफा बताने लगी हूँ, मतलूब के पहने हुए कपड़े, यानी जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं। अगर आपके पास उसका कोई कपड़ा है, कोई उसके हाथ से जुड़ी हुई कोई चीज है, कोई तोहफा है, बेशक कोई कागज टिश्यू तक भी है, ठीक है, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब आपने क्या करना है, कोई मतलब के तेल लेना है जैतून का, उसको डालना है मतलब के किसी बॉल में, स्टील के बॉल में, और बेशक उसको डालें आप मतलब के किसी चिराग में भी रख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल हो, बेशक एक इंच का क्यों ना, पर हो मतलब का, यानी इसको आप तलब करना चाहते हैं अपने प्यारों का। हस्बैंड वाइफ जो है वो भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, तो वो भी अपने जो है प्यारों के लिए कर सकती हैं, ठीक है। अब नाम जो भी है उसका, वो भी आप कॉपी पेंसिल पे मतलब कि कॉपी पेंसिल से लिख लें, ठीक है, कॉपी पर आप उसको ऐड कर लें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, और मतलूब उसका नाम और उसकी वालदा का नाम, ठीक है। उसके मुताबिक जो सा है, अब आपने क्या करना है, 541 मरतबा आपने पढ़ना है या वदूदु या वहाबु, ठीक है, या वदूदु या वहाबु, ये दो लफज हैं, ये दो लफज पढ़ के आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है कम अज 9 मरतबा, ठीक है। अब आपने पढ़ लेना है और इसको लगातार सिर्फ 3 दिन ही अमल करना है, ठीक है। अब वो कपड़ा जो है, जो आपने उस मतलब के जैतून के तेल में मतलब के डिप करके आप पढ़ाई कर रहे थे उसपे, ठीक है ना, आखिरी दिन जब तीसरा दिन होगा ना, आपने क्या करना है, उस जैतून के तेल को ना आपने जलाना है, मतलब के रुई काटन का एक फीता बना के ना, तो उसको डिप करके तो वो जला दे, बेशक साथ में जो चीज उसकी रखी है, टिश्यू है, कोई कागज है, कोई कपड़ा है, कोई भी ऐसी चीज आपके पास है, धागा तक है, वो भी आप उसको साथ में जला दें। इतनी आग उसको लग जाएगी जिसको आप मुसख़र करना चाहते हैं, उसके दिल को इतनी बेकरारी होगी, बेचैनी होगी कि वो चाहेगा, उसको आपकी याद आएगी, वो आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा किस तरह आप तक पहुंच जाए। दिन कोई सा भी हो, और कम से कम 14 इस्लामी महीनों के हिसाब से जो दिन होते हैं, तारीखें होती हैं, वो 14 तारीख से पहले पहले का ये हो, और बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी भरपूर मदद करूंगी। इजाजत के बगैर कोई अमल ना करें, वरना नुकसान के जो है वो खुद, क्योंकि एक उस्ताद और शगिर्द वाला होता है, जब तक उस उस्ताद आपको इजाजत ना दे तो कोई अमल ना किया करे ना, तो फिर ये भी देखिए। तो मैं तो आपकी बहन हूँ, आपको आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ी इज्जत और इत्तराम से बात किया करें। मुझे जब हम आपसे बात करते हैं तो यकीन माने बहुत इज्जत इत्तराम से बात करते हैं। तो इस्लाम में सबसे पहला इखलाक है, जिसका इखलाक बुलंद उसका जो है आधा ईमान है, ठीक है ना, तो इस चीज का ख्याल रखा करिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताने जा रही हूँ बहुत प्यारा, बहुत नायाब है। आप की ही फरमाइश पर यह अमल मैं आपको